राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में बुधवार की सुबह घने कोहरे के साथ हुई। वहीं अन्य शहरों में भी कोहरे की मार जारी है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बुधवार को दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मौसम विभाग का कहना है कि नए साल की शुरुआत के मौके पर एक पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिम और आसपास के मध्य भारत के इलाकों में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक हल्की बारिश की संभावना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार सुबह हरियाणा के झज्जर के छारा गांव में पहलवानों से मिलने उनके अखाड़े में पहुंचे। यह गांव बजरंग और दीपक पुनिया का है। राहुल ने बजरंग के साथ काफी देर अखाड़े में कुश्ती भी की। अमित शाह ममता बनर्जी के गढ़ बंगाल में है। उन्होंने 2024 में बंगाल की 35 लोकसभा सीटों का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल मिशन के लिए 15 सदस्यीय कोर चुनाव प्रबंध समिति का गठन किया है। शाह ने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से इस पूर्वी राज्य में लोकसभा की 35 सीटों पर जीत का प्रयास करने का अनुरोध किया है। राजस्थान में अब मंत्रिमंडल का इंतजार खत्म होने वाला है। लंबे इंतजार के बाद भजनलाल शर्मा कैबिनेट का गठन होने वाला है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। बुधवार 27 दिसंबर को राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। हालांकि शपथ ग्रहण की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पार्टी के विधायकों को कॉल करके जयपुर में ही उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजौरी दौरे पर जा सकते हैं। माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन साइट पर भी जा सकते हैं। रक्षा मंत्री ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां हालात की समीक्षा लेंगे। राजनाथ सिंह जम्मू में सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग भी कर सकते हैं। इससे पहले सेना अध्यक्ष भी राजौरी के दौरे पर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि राजौरी में 25 से 30 आतंकी एक्टिव है, जिसके खात्मे के लिए सेना ऑपरेशन चला रही है।